नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। सैन डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह चिंसा व डेरा सच्चा सौदा की चर्चा लगातार हम लोगों के बीच में पहुंच के लोगों से सर्वे कर रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका क्या मानना है गुरुजी के बारे में। नमस्कार, क्या नाम है आपका? उषा। उषा जी, कितने समय से आप डेरा सच्चा सौदा के साथ जुड़े हैं? 45 साल से जुड़े हुए हैं। कितना विश्वास करते हो गुरुजी के ऊपर? पूरा विश्वास है, 100%। क्यों विश्वास करते हो? क्यों करते हैं कि हमारे लिए सब कुछ वही है, माँ बाप से बढ़ के। आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आया जो आज भी आप उनके ऊपर विश्वास करते हैं? जो हम निश्चय करते हैं ना, वही हमारा पूरा होता है। जो निश्चय निर्णय ले लेते हैं ना, वही हमारे को पूरा उसी टाइम हमारे को प्रत्यक्ष मिलता है। मतलब जमाते हैं ना, ये काम हमारा होना तो उसी टाइम ही हो जाता है। मतलब मन में थोड़ा संकल्प आता है ना, उसी टाइम ही हो जाता है। मतलब जमाया हुआ है। आप कितनी बार गए हो आश्रम में? आश्रम में तो वैसे सत्संग जैसे होते हैं। अब दवाई भी मेरे तो उधर से, मैंने आंखों की किरणें भी उधर से डलवाई हैं। मेरे को उन पर पक्का विश्वास है। जो भी हमारे घर पर धोते गई पोते की आई, मतलब मेरे को उधर विश्वास है। हॉस्पिटल में मैं उधर ही लेने जाती हूँ दवाई। अब तक भी उनले डेरे दर्शन करने जाना, पल्ला डेरे सेवा भी उधर, तो जो ही सेवा मतलब चाहे पल भर हो जितनी है उधर ही करते हैं सेवा। उनले डेरे भी, पल्ला डेरे भी, दोनों डेरों में। आप वहाँ पर गए हो तो आपने किस तरीके का माहौल देखा है? बेटियों को लेकर कैसा माहौल देखा है? अच्छा देखा, बहुत अच्छा है। चाहे कोशिश में शादी हुई एक बेटी की, तो मतलब शादी रख रखी थी पैलेस में, वो कहते हैं नहीं हमने शादी उधर करनी भी एकदम धूमधाम से, मतलब धूमधाम से ही करी हूँ। जैसे कहना वैसे हमने माने उनकी, तो कोशिश में अच्छा मिला उनको। मतलब देख के वो जो कुछ खिलौने जो कुछ दिखा रखा है, उनका पिताजी का सारा कुछ वातावरण बहुत अच्छा लगा उनको भी, उन परिवार को भी, कि परिवार भी आगे नामदानी है मिला, बेटियों का बेटे का भी। गुरु जी ने समाज के लिए क्या किया? सब कुछ किया, जो 101 कितने बनाए हुए हैं वो सबसे एक से बढ़ के बढ़ के है। मतलब जो ही करे दुनिया इस तरीके के काम किए, जो ही भलाइयाँ करी हैं, चाहे खूनदान है, चाहे शादियाँ, चाहे वैश्य करते गए, चाहे कोई मतलब समाज में जो ही कुछ करे ना, सबसे अच्छे से अच्छा ही करा है। हमारे को अच्छा ही लगा है। इनके पास जो अब जैसे बैंक में पैसा डालते हैं दीन दुखियों के लिए, वो भी अच्छा करे, वो अच्छा लगा है। बोलो जो कुछ हमारे गोले के लिए कहा तो हमने करा, तो हमने उसमें बरकत डाली है परमात्मा, दसवा ऐसा उससे बरकत। जरूरत है गुरु जी की समाज को? बिल्कुल जरूरत है हमको तो, माँ बाप से बढ़ के हमारे कहते वो ही हो सब कुछ। माइक का जैसे माँ बाप नहीं है, सिर्फ पैसा करें उनका छत्र छाया होनी चाहिए हमारे पे। 3-4 साल हो गए हैं, इतने सालों में क्या प्रभाव पड़ा है? वो तीन के बिछड़े हुए बस, पर एक पल पल ही ओखा जा रहा है उनके बिछड़े बिना ना, एक एक पल भी बस जोश। कभी भजन शब्द होते हैं ना, ऐसे मछली जल के बिना कैसे जीतते हैं, ऐसे उनके बिना जब जीना है वो ओखा है बड़ा है बस हमारा तो। जो उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं उनके बारे में क्या कहना है? वो तो बिल्कुल झूठे हैं, बिल्कुल झूठे है। चाहे टी वी में दिखाया, चाहे अखबार हैं, चाहे जो कुछ करवाया ना, हमारे से बर्दाश्त ही नहीं होता था। हम तो टी वी देखना बंद कर देते थे, दिखाते थे ना जो वो बातें, हमारे साथ बर्दाश्त ही नहीं हो पा रही थी। क्या मांग करोगे सरकार से? सरकार को यही कहेंगे हम जल्द से जल्द पिताजी को बेगुनाह छोड़ दें। बहुत बहुत धन्यवाद।